brought to you by Physics Wala. आगामी 3 मई को अक्षय तृतीया और ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, मगर प्रदेश में बिजली संकट के मौजूदा हालात को देखते हुए अब बिजली का संकट भी धार्मिक रंग में रंगने लगा है। ईद और अक्षय तृतीया पर जयपुर डिस्कॉम पावर मैनेजमेंट में जुट गया है। विभाग में 2 और 3 मई को लेकर हो रही विशेष प्लानिंग शुरू कर दी गई है, मगर उद्यमियों ने डिस्कॉम के प्लान के फ्यूज उड़ाने की प्लानिंग कर ली है। डिस्कॉम की प्लानिंग में 2 दिन उद्योगों की बिजली कट का प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें जयपुर सिटी, सीतापुर, 22 गोदाम, मान सरोवर, मालवीय नगर सहित शहरी सीमा में स्थित औद्योगिक संगठनों से संपर्क किया गया है। डिस्कॉम के निर्णय 48 घंटे पावर कट के प्रस्ताव पर आक्रोश में उद्यमियों ने डिस्कॉम MD और CTSE को अपना आक्रोश जताया। उनका कहना है कि त्योहारी सीजन के नाम पर मशीनों को बंद करना उचित नहीं है। राजस्थान में बिजली संकट से फिलहाल निजात मिलने की संभावना नहीं है। प्रदेश में दिनों दिन बिजली की समस्याएं बढ़ती जा रही है। अचानक से बिजली की ये समस्या कोयला खत्म होने से पैदा हुई संकट की वजह से है। प्रदेश के कई जिलों में 14 से 18 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। भीषण गर्मी और बच्चों के एग्जाम के बीच बिजली कटौती से हर कोई बेहद परेशान है। इसके साथ ही किसान भी बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में बिजली कटौती होने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से सरकार को साथ देने की अपील की है। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और ट्वीट पर लिखा कि यह एक राष्ट्रीय संकट है। मैं सभी से अपील करता हूं कि इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें। अपने निवास या कार्य क्षेत्र के गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखें। अपनी प्राथमिकताएं तय कर बिजली का उपयोग जरूरत के मुताबिक करें। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक के बाद एक 4 ट्वीट किए। उन्होंने अगले ट्वीट में BJP को आड़े हाथ लिया। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि राजस्थान में प्रदेश BJP घरों पर प्रदर्शन कर इस संकट में चुनौतीपूर्ण कार्य कर रही है। बिजली कर्मचारियों को परेशान कर उन पर दबाव बनाने का काम कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि राज्यों को कोयला उपलब्ध करवाने का काम केंद्र सरकार का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगले ट्वीट में केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आ गई। वहीं BJP ने राज्य में बिजली संकट को लेकर अशोक गहलोत सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। BJP ने कई जिलों में विरोध जताते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। BJP ने 29 अप्रैल को प्रत्येक GSS पर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर बिजली कट रही है। ऐसे में पिछले साल की तुलना में करीब 35% अधिक मांग के अनुरूप आपूर्ति कर पाना सरकार के लिए कठिन साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।